गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है एम जी एस्टर शार्प प्रो। टॉप मॉडल है ये और ये ZS है, एम जी एस्टर ZS, यानी कि पेट्रोल वाली है ये। 1349 सीसी का इसमें आपको इंजन देखने को मिलता है, लगभग 1400 मान लीजिए इसको। और इसके पावर फिगर की बात करी जाए तो वो प्रोड्यूस करता है 238 BHP और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क, टर्बो चार्ज इंजन मिलता है इसके अंदर। कुछ इस तरह की इसकी हेडलाइट्स रहती हैं, इसी में नीचे आपको फॉगलाइट्स मिलेंगी जो कि आपकी हेलोजन मिलेंगी। गाड़ी अभी चार्जिंग पर लगी हुई है तो ये चार्जिंग केबल जा रही है, इसको थोड़ा माइंड मत करिएगा। आपको आगे की दूसरी तरफ भी ऐसी लुक्स देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं एक बार, मैंने अपने चैनल पे MG का हेक्टर का 2023 वाला जो वेरिएंट है, मैंने इसका भी रिव्यू डाल दिया है, वो लाइव हो चुका है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने उसको कंपेयर किया है 2023 वाले को 2022 वाले के साथ, दोनों अगल बगल में खड़ी हैं, मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसी गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अब आ जाते हैं वापस अपनी गाड़ी पे, चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल है, बहुत ही बड़े इसमें टायर देखने को मिलेंगे, ये 17 इंच के टायर मिलते हैं, वो भी डायमंड कट अलॉयज डुअल टोन में, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसमें देखने पे। और इसके टायर साइज की बात करी जाए तो वो मिलता है आपको 215/55 R17 का टायर, MG की ब्रांडिंग, फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ब्लैक कलर की क्लैडिंग पूरी बॉडी पे जा रही है जो इसको पूरा मस्कुलर लुक देती है। इसमें आपको सिल्वर की भी क्लैडिंग देखने को मिलेगी डोर्स पे। ड्राइवर साइड में आपको थोड़ा सा ये मिलेगा क्रोम का ट्रीटमेंट, उसमें मिलेगा क्रोम का ही रिक्वेस्ट बटन, और उसमें जिस कलर की गाड़ी रेड कलर की, रेड कलर का इंसर्ट मिलेगा। ये वीडियो मैं वैलेंटाइन डे पर डाल रहा हूँ तो ये वैलेंटाइन के डे से बिल्कुल मैच करती हुई है, रेड कलर की थीम रहती है वैलेंटाइन पे, तो रेड कलर की ये गाड़ी रहेगी, ऑलमोस्ट रेड है। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको, आप अपने पार्टनर को ये गाड़ी गिफ्ट करिए, बहुत खुश होगा वो। चलो वापस जाते हैं गाड़ी पे। तो पीछे आपको फिर से इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, वही टायर साइज 215/55 R17 का, 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। इस तरह का इसका रियर रहने वाला है, देखिए बहुत ही प्यारा इसका रियर है, MG का बड़ा सा लोगो और एस्टर इस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। पीछे आपको रियर वाइपर देखने को मिलेगा, डिफॉगर देखने को मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप, शार्क फिन एंटीना। रूफ रेल की बात करें तो सिल्वर में मिलेंगी आपको, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर 1, 2, 3। कैमरा प्लेसमेंट की बात करें तो आपको नीचे देखने को मिलेगा, टोइंग हुक का ऑप्शन मिलेगा, फेक आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, रियल एग्जॉस्ट की बात करें तो आपको दूसरी तरफ देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर्स आपको ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में देखने को मिलेंगे, ZS की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे बड़ी बड़ी। बूट खोलने के लिए आपको ये जैसे पोलो में होता है वॉक्सवैगन खुलता था, ऐसे ही इसमें MG को दबाते हैं तो यहाँ पे बूट खुल जाता है, इसमें आएंगे बाद पे। दूसरी तरफ आते हैं तो को पैसेंजर साइड आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से इसका दूसरी तरफ का लुक रहने वाला है। ऊपर आपको एक छोटा सा क्वार्टर पैनल मिलेगा, उसके अराउंड यहाँ पे एक क्रोम की पट्टी गई है पूरी ड्राइवर साइड डोर तक। सिल्वर की आपको रूफ रेल देखने को मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी इस गाड़ी में आपको। को पैसेंजर डोर पे भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, उस पर भी आधा क्रोम में और आधा जो बॉडी कलर आपका कलर है रेड कलर का वो देखने को मिलेगा। OAVM की बात करें तो OAVM आपको बॉडी कलर मिलेंगे, इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी जो कि हेलोजन रहने वाली है, उसके नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। आगे अगर कैमरा प्लेसमेंट की बात करें तो आपको मिलेगा MG के लोगो के नीचे। ग्रिल देखिए कितनी प्यारी ग्रिल लग रही है भाई साहब, सिल्वर फिनिश बहुत ही अच्छी लग रही है इसे देखने में, बोल्ड लुक देती है आगे से, देखिए सिल्वर का फिनिश, उसमें क्रोम का यूज भाई साहब बहुत ही प्यारा लगा। आपको यहाँ पे इधर की साइड इसमें टोइंग हुक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें चाबी की तो कुछ इस तरह की इसकी चाबी रहने वाली, चाबी भी बहुत प्रीमियम, जिस कलर की चाबी उसी कलर का आपको गाड़ी मिलेगी, मतलब देखिए रेड कलर का इंसर्ट है, रेड कलर की गाड़ी है। लॉक अनलॉक करके देख लेते एक बार, अनलॉक करा, गाड़ी की बैटरी लो है तो ये किट किट कर रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, देखो लाइट जल जाती है, लाइट जल गई, पूरा LED सेटअप देखो, LED पूरी DRL प्रोजेक्टर LED, उसमें ये क्रिस्टल से रखे हुए हैं छोटे छोटे, रिफ्लेक्ट होते हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। कॉर्नरिंग लैंप का फंक्शन मिलेगा आपको इसके फॉग लाइट्स में, और ये आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे। एक बार गाड़ी को अनलॉक करते हैं, अनलॉक कर दिया, चलते हैं अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह की इसके अंदर की कहानी रहने वाली है। डुअल टोन में आपको इसका डोर ट्रिम देखने को मिलेगा, ये आपको ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का
ऑफ वाइट मान लीजिए, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा, लेदर का यूज़ किया गया। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मैट में फिनिश दी जाएगी। इस पर आपको सिल्वर का फिनिश दिया, सिल्वर का डोर नॉब दिया जाएगा। लॉक अनलॉक के बटन्स मिलेंगे, इसके अराउंड आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिल जाएगी। डोर पॉकेट की बात करें तो इसमें आपको बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिलेगा, स्पीकर्स मिलेंगे और ट्विटर आपको ए पिलर पर देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर सीट की बात करें तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेगी, सिक्स वे एडजस्टेबल आपको ये सीट देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिकली। इसमें आपको फ्यूल्ड ओपनर यहाँ पे डैशबोर्ड में नीचे देखने को मिलेगा, हुड ओपनर भी आपको डैशबोर्ड में नीचे देखने को मिलेगा। ओआरवीएम के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एसी वेंट के नीचे, देखिए ड्राइवर साइड एसी वेंट के नीचे आपको ओआरवीएम के कंट्रोल्स मिलेंगे। फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए इसको आप नीचे कर देंगे तो ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। हेडलाइट लेवल एडजस्टर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। अब चलते गाड़ी के अंदर की तरफ, तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर रहने वाला है। ये भी आपको डुअल कलर में मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी आपको लेदर का यूज़ किया, बहुत ही सॉफ्ट टच, ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच, कहीं भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। आ गए हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले फिर से एक और बार मैं बताना चाहूंगा कि मैं गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर बात करते हैं आगे गाड़ी की। और मैं ऐसी ही गाड़ी से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं, आप जाके मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसकी तो देखिए पूरा इतना प्रीमियम सा इसमें आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, कहीं भी कुछ भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है। देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारा सा क्यूट सा एस्टर बैठा हुआ है इसमें बीच में। डिस्प्ले बड़ी मल्टी बहुत ही अच्छी खासी इसमें डिस्प्ले मिलती है, ऐसा लग रहा है आईपैड लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही प्रीमियम इसका स्टीयरिंग व्हील, लेदर में इसमें स्टिचिंग हो रखी है, सिल्वर की फिनिश, एमजी का लोगो, बहुत ही प्रीमियम सा इसका स्टीयरिंग व्हील। बात करें डोर नॉब की, एसी वेंट्स की, तो इसमें सिल्वर की फिनिश, उसमें यहाँ पे मर्सिडीज टाइप इसमें एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देने वाला, अगर मैं दिखाऊं तो पूरा फुली डिजिटल है। देखिए फुली डिजिटल एमजी आया रेड कलर के इंसर्ट्स, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। राइट हैंड साइड, हाँ आप बोलो मैडम पहले। राइट हैंड साइड आपको पूरा आरपीएम मीटर देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड आपको पूरा स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। डिजिटल इसमें आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेंगे, डिजिटली आपको टेम्परेचर मीटर देखने को मिलेगा। गाड़ी के इन्फॉर्मेशन की बात करें एमआईडी में क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। नीचे जाते हैं इसमें तो आपको देखिएगा बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट तक गाड़ी की बैटरी चार्ज हो गई है। उसके बाद करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉक है कि अनलॉक है गाड़ी, लाइट्स ऑन है कि ऑफ है, लाइट्स ऑन है कि ऑफ है, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि अभी ये ऑटोमेटिक पे, अगर मैं इसे ऑटोमेटिक से हटाऊंगा तो ये ऑफ हो गया, ऑफ होने पे डीआरएल्स ऑन हो जाती हैं। आपको नहीं दिख रहा लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए लेकिन ये ऑफ हो चुकी है। डोर्स अनलॉक होने पे यहाँ पे देखिए डोर जहाँ पे भी खुला हुआ है तो ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। और इसको ब्राउज करते तो देखिए यहाँ पे करंट जर्नी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें तो एक्यूमुलेटेड टोटल इन्फो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। फिर से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और अपने वोल्टेज बैटरी का वो एक इसमें और चेक करते क्या देखने को मिलेगा, इसमें ब्राइटनेस सेट करने को सर्विस का, उसके बाद अलर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और गाड़ी की इन्फो देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी खासी इसमें डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसमें स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस टाइप का रहने वाला है। इसमें हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, टेलीस्कोपिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक तो ये गाड़ियाँ खड़े खड़े जो होती है इसके ये टेलीस्कोपिक वाला जम जाता है तो पता पड़ता नहीं है, लेकिन इसमें अभी ये टिल्टी हो रहा है, अगर टेलीस्कोपिक हो तो पता नहीं क्योंकि ये हिल नहीं रहा मेरे सामने तो। ठीक है बात करते हैं इसमें इधर की साइड, तो यहाँ पे आपको क्यूट सा एस्टर बैठा हुआ दिख रहा है, देखिए एस्टर बैठा हुआ यहाँ पे क्यूट सा, कितना क्यूटी पैसा है, क्यूची कुची कुची कुछ ये आपको यहाँ पे बैठा हुआ मिलेगा। ये एक एआई है जो आपको देखता है, आपकी बातें सुनता है, नमस्ते करता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको स्लो है, अब मैं इसे ऑन करता हूँ, गाड़ी को बंद ही नहीं हुआ, शट डाउन नहीं हुआ। देखो इस पर अलग अलग एआई है, ये मैसेज वैसे सबको शो करता है, यहाँ पे छोटू सा बैठा हुआ। इसको छोड़ते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर सेंसर सॉरी माइक देखने को मिलेगा जो आपके वॉइस कमांड्स को सुनता है। ठीक है अब आते हैं इसकी डिस्प्ले पे, डिस्प्ले आपको इतनी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मॉरिस गैराज का इस पर साइन बन गया, थोड़ा सा इसमें स्लो रहता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है खुलने में, एक बार ये प्रोसेस हो जाए तो मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे फिजिकल बटन्स में। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले में आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगी। आप चाहे तो एसी को यहाँ पे फिजिकल बटन से नहीं, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अब मैं एसी की स्पीड यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से रिड्यूस भी कर सकता हूँ,
यहाँ से मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, इसमें अपना टेम्परेचर बढ़ा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ, होम आता हूँ तो यहाँ पे आपको सारी नेविगेशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहाँ पे आप लोग हैं, जैसे हम लोग आगरा में, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है वो देखने को मिलेगा, दुनिया भर की चीज है, इंटरनेट इनसाइड और ये सब तो आपको एमजी की क्वालिटीज में आते ही आते हैं। एप्पल का एंड्रॉइड ऑटो मिलेगा ही मिलेगा। होम आते हैं, होम आके एक बार इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें एप्स मिलेंगे आपको प्री लोडेड। थीम एस्टर देख लेते हैं, एस्टर मेन है इसमें, एस्टर में क्या क्या मिलेगा देखिए। डिफॉल्ट में आपका एक जो मिलता है आपका ऐसा बन के आता है। इसके बाद मैं क्रिसमस पे जाऊंगा तो देखो इस पे मैरी क्रिसमस सांता क्लॉज बन के आ रहा है। बच्चों का सा इसमें वो चीजें कर दी है खेलने वाली। हम इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा भी यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस सेटिंग्स में जाएंगे तो ये हमारी हेलो एमजी बोलेंगे, हेलो एस्टर बोलेंगे। हेलो एस्टर, आई एम हियर, ओपन सनरूफ। हेलो एस्टर, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? क्लोज सनरूफ। तो ये बहुत ही स्मार्ट एस्टर बनाया हुआ है, जो इसमें यहाँ पे दोनों तरफ आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिलेंगे जो आपकी बातें सुनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस हमारी डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे पूरी गाड़ी के, इसी में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें इसके नीचे तो कुछ आपको यहाँ पे फिजिकल बटन मिलते हैं, कोई फिजिकल बटन जिससे आप कोई होम पे आने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलेगा, जैसे मैंने इसको दबाया कोई होम पे आ गया। वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको एक, या आपका एसी को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऑन, इसको होल्ड करते तो ऑफ हो जाता है एसी। पीछे इसमें आपको फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर का बटन, यहाँ पे फैन की स्पीड कम ज्यादा करने का और टेम्परेचर का कम ज्यादा करने का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। इस पर आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे देखो, फोन और उसको कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि एप्पल कार्प्ले एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यूएसबी की कनेक्टिविटी मिलती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। मेरे को लगा इसमें सिगरेट लाइटर है, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा चार्जिंग के लिए, नहीं चार्जिंग पैड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है। 360 डिग्री का कैमरा मिलेगा आपको, अगर मैं दिखाऊं तो एक बार आप देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, 360 डिग्री का कैमरा मिलेगा। अब मैं जहां जहां टच करूंगा ये वहां वहां का कैमरा चला चला के मुझको दिखाता रहेगा, जैसे मैं इधर का टच करूंगा तो इधर का दिख रहा है, इधर का टच करूंगा तो इधर का दिखेगा, पीछे टच करूंगा तो पीछे का दिखेगा, इससे आपको पूरा का पूरा वो दिखता है। इसमें आप 3D पे स्विच करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं 3D पे करूंगा तो 3D एमजी बनी, मेरी एस्टर बनी आ रही है यहाँ पे, और उसके अराउंड जो जो हो रहा है वो सब दिख रहा है। फिर से मैं टच करूंगा तो यहाँ पे सारा चीज घूम घूम के वहां पे आता जाएगा और दिखाता जाएगा कि कहाँ पे क्या है। इसके बाद एक बार नॉर्मल आके कैमरा क्वालिटी की बात करते हो, अच्छी क्वालिटी का इसमें कैमरा क्वालिटी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें इसके रिवर्स गियर्स की तो इसमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल पे टर्बो का इंजन मिलता है इसमें, जो कि प्रोड्यूस करता है 138 bhp और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। रिवर्स गियर की बात करें तो इसमें नीचे दबके वॉक्सवैगन स्टाइल में आपका गियर लगता है, और पीछे के कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। इधर से वापस आए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको चाबी का वो बना दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, यानी कि आप चाबी रखेंगे यहाँ पे तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस और मिलता है, यहाँ पे मैनुअल आपको हैंडब्रेक देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके हैंडरेस्ट की तो कुछ इस टाइप का हैंडरेस्ट देखने को मिलेगा, और उसके अंदर स्पेस की बात करें तो इस टाइप का स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे एक कटआउट दिया हुआ है लेकिन ये किसी यूज का नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर ये स्लाइडेबल होता तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। बात करें को पैसेंजर साइड की तो को पैसेंजर साइड पे भी आपको सीट्स मिलेंगी, परफोरेटेड सीट्स मिलेंगी, जो कि आपके पसीने और गर्मियों में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। कुछ इस टाइप का पूरा व्यू रहने वाला है। देखिए स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको दो ट्विटर दिख रहे होंगे यहाँ पे सामने की साइड, और दो स्पीकर्स आपको पीछे डोर पे दिख नीचे वाले डोर पे मिल जाएंगे। पूरे में आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, IRVM आपको मैनुअल देखने को मिलेगा। ये क्या कर दिया, इतनी प्रीमियम गाड़ी में बस एक चीज कमी लग गई। खैर उसके बाद बात करते तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, पैसेंजर एयरबैग्स का ऑन ऑफ, यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। देखिए क्या कहते हैं इसको, सनरूफ का कंट्रोल्स मिलेंगे, इससे आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपका सनशेड खुल जाता है, इसको दोबारा दबाएंगे तो आपका सनशेड बंद हो जाएगा, और अगर आपको इसको खोलना है तो आप इसको घुमाएंगे डायल को तो ये खुल जाता है। देखिए मैंने इसको घुमाया, सनशेड खुल रहा है, और सनशेड के साथ साथ वो भी खुल रही है सनरूफ। मैं इसे बंद कर देता हूँ वापस से, ठीक है। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलेंगी, देखिए और बीच में करेंगे तो डोर पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सनशेड्स की बात करते हैं, यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन पीछे की साइड मिलता है, और दूसरी तरफ आपको मिरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ पे भी सेम, आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, और एयरबैग का लिखा हुआ टिकट होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। इस टाइप की इसकी पूरी अंदर आगे की कहानी रहने वाली है। अगर बात करें इसके कंट्रोल्स की तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट देखने को मिलेंगी, इसमें आपको उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्या कहते हैं आपके कॉर्नरिंग लैंप और उसके लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर के भी आपको इसी साइड देखने को मिलेगा। वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे आपको राइट हैंड साइड पे, इसमें आपको
ऑटोमेटिक वाइपर्स देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें इसके नीचे एक और आपको वो मिलेगा, देखिए इसके नीचे आपको एक और बटन मिलता है जो कि आपका क्रूज कंट्रोल का है। यहाँ पे आपका जो है क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके इस साइड जो है एमआईडी के इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं और इस साइड जो है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक आपको यहाँ पे स्टार बटन दिया गया, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अंदर पे ब्राउज कर करके। अब चलते हैं इसकी पिछली सीट पे, पिछली सीट पे देख लेते हैं इसकी क्या कहानी रहने वाली है। उससे पहले मैं सीट को अपनी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब चलते हैं पिछली सीट पे। कुछ इस तरह का इसका पीछे का रहने वाला है। देखिए आपको यहाँ पे फिर से डबल टोन में मिलेगा ये ब्लैक, और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। सिल्वर की फिनिश मिलेगी, क्रोम का डोर हैंडल मिलेगा, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी आपको यहाँ पे, डुअल टोन में आपकी सीट रहने वाली है, परफोरेटेड सीट रहेगी, उसके बाद लेदर राइट पूरा फिनिश रहेगी इसमें, परफोरेटेड सीट रहेंगी, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाएंगी। रियर आप में रियर को आप में हैंडरेस्ट देखने को मिलेगा, रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आर्मरेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। गाड़ी के अंदर की स्पेस की बात करो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा। देखिए और यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें सेंटर में तो आपको दो एसी वेंट्स मिलेंगे, क्रोम की फिनिश मिलेगी, उसके नीचे दो चार्जिंग के सॉकेट्स मिलेंगे जो कि टाइप ए देखने को मिल रहे हैं। बात करें पीछे तो यहाँ पे आपको देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे। आर्मरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको कप होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है ये, अच्छा लग रहा है अंदर देख के। छोटा सा यहाँ पे क्वार्टर पैनल देखने को मिला, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगा ये आपको बिल्कुल भी। बड़ी सनरूफ है भाई, मतलब ये मान लीजिए मेरे सिर से भी ऊपर निकल गई, देखिए आप मानेंगे तो देखिए इस वाले हेडरेस्ट के बिल्कुल ऊपर तक आ रही है। बहुत बड़ी सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ पूरी दी गई है। ब्लैक्ड आउट सीट बेल्ट देखने को मिलेंगी और स्पेस आपको स्पेस में भरमार देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं इसके पिछले लुक्स की तरफ, पीछे एक बार देख लेते हैं पीछे से कैसी कहानी रहने वाली है। उससे पहले मैं इसकी हेडलाइट्स ऑन कर देता हूं तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे इसके पूरे लुक्स हैं। ठीक है, और एक बार मैं ऑन कर देता हूं इसके इंडिकेटर्स। तो देखिए कुछ इस तरह के इसके पीछे से लुक्स रहने वाले। देखिए पूरा ही पूरा एलईडी का ट्रीटमेंट है, वाह, पूरी ब्रेक लाइट भी आपको एलईडी देखने को मिलेंगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही चलती हुई। हेलोजन में आपको इंडिकेटर मिलेगा, हेलोजन में आपको रिवर्स लाइट देखने को मिलेगी। हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप है जो कि एलईडी में देखने को मिलेगी। आपको रियर वाइपर देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। एक बार बात कर लेते हैं इसके अंदर बूट स्पेस की, तो इस तरह का इसका बूट स्पेस रहने वाला है। अच्छा खासा बूट स्पेस मिलेगा आपको, यहाँ पे एक नाइट लैंप मिल जाएगा और कोई भी हुक वुक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, नहीं कोई भी हुक देखने को नहीं मिलेगा। टायर साइज की बात करी जाए तो एक साइज डाउन आपको टायर मिलेगा जो कि मिलेगा 215/60R16 का। यहाँ पे नेट दिया गया है, यहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। बंद कर देते हैं इसको। तो कुछ इस तरह का इसका पीछे से लुक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ZS की बैजिंग देखने को मिलेगी, एस्ट्रा की बैजिंग देखने को मिलेगी, तीन रिवर्स पार्किंग सेंसर, एयर डैम्पिंग देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको फेक एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, रियर एग्जॉस्ट आपको को पैसेंजर साइड नीचे देखने को मिल जाएगा। स्केट पेड की बात करते हो मैट में फिनिश में दी गई है, सिल्वर का उसके ऊपर इंसर्ट दिया गया है। कुछ इस तरह का पूरा इसका प्रोफाइल है। अगर इसके मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो वो आपको ड्राइवर साइड देखने को मिलेगा, इसकी कैपेसिटी मिलेगी आपको 45 लीटर्स। एक बार बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की बात करते थे इसकी एक्स शोरूम में 14,98,000 लगभग 15 लाख इसकी एक्स शोरूम में। और वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो MG Aster 2022 आपको 23 में पड़ रही है 17,86,000 रुपये की, आगरा यूपी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। और आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, चेकआउट करिए शिवेन सिंह तोमर को, आपको वहाँ पे MG की और भी गाड़ियों के रिव्यूज मिल जाएंगे जो कि है MG Hector 2023। अब डाल दूंगा मैं MG Aster 2022।